हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर राजेश गोयल सीनियर किडनी स्पेशलिस्ट दिल्ली से आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन किडनी ट्रांसप्लांट एंड डायलिसिस कई पेशेंट्स और रिलेटिव्स पूछते हैं हमसे कि डॉक्टर साहब ट्रांसप्लांट कराएं या डायलिसिस पे रहें ऑब्वियसली किडनी ट्रांसप्लांट मच बेटर है अगर हम डिफरेंस देखें किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बीच में किडनी ट्रांसप्लांट में पेशेंट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नॉर्मल लाइफ जी सकता है उसको कोई फूड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं वो आराम से ट्रैवल कर सकता है उसको कोई डायलिसिस कराने की जैसे जल्दी होती है हर दूसरे दिन वो जल्दी नहीं होती है वो हॉलीडे वेकेशन पर जा सकता है अपना पूरा ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ रूटीन जी सकता है और अगर हम कॉस्ट का डिफरेंस देखें बिटवीन डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट अगर हम देखें कंपेयर करें मंथली डायलिसिस का एक्सपेंस कितना रहता है और ट्रांसप्लांट की जो इनिशियल कॉस्ट होती है जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा होती है क्योंकि मेजर ऑपरेशन है तो डेढ़ दो साल बाद अगर हम देखें कंपेयर करें कॉस्ट ऑफ डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट तो ब्रेक इवन हो जाता है और लॉन्ग टर्म में ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कम रहती है एक्सपेंसिस कम रहते हैं और फाइनेंशियल बर्डन पेशेंट्स और रिलेटिव के ऊपर कम रहता है ट्रांसप्लांट के केस में अगर हम डायलिसिस में देखें उसके क्या डिफरेंसेस हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांसप्लांट क्या बेनिफिट है उसमें क्या प्लस पॉइंट्स हैं उसमें है कि ट्रांसप्लांट में एक मेजर ऑपरेशन करा जाता है जो कि डायलिसिस में नहीं होता है मैं कहूँगा सिर्फ एक यही एक प्लस uh, पॉइंट है डायलिसिस का एज़ कम्पेयर टू ट्रांसप्लांट अदरवाइज़ हम लॉन्ग टर्म आउटकम देखें पेशेंट का नॉर्मल लाइफ स्टाइल देखें उसके चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी जो हम कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ जो चांस रहता है ट्रांसप्लांट में मच बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम कंपेयर करें सर्वाइवल अगर हम देखें लाइफ स्टाइल देखें तो ट्रांसप्लांट मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और आप लोगों को भी नहीं रखना चाहिए कि ट्रांसप्लांट ठीक नहीं रहता है उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है अगर हम देखें सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की लाइफ और एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म में बच कम रहते हैं कम्पेयर टू डायलिसिस पेशेंट अपनी नॉर्मल अर्निंग भी कर सकता है इस केस में सो so, आप इसमें घबराइए नहीं और डोनर और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं थैंक यू